Now our question is divide p of x. This is p of x. So divide p of x by g of x. And after division, find their quotient and remainder. And next, is g of x a factor of f of x? तो इसका मतलब आपको डिवाइड करना है p of x को. That means p of x is dividend. ये बहुत ज़रूरी है. और g of x ये है divisor. ओके तो सबसे पहले आपको बिफोर डिवाइडिंग p of x by g of x, कन्वर्ट बोथ polynomials इंटू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म. दैट मीन्स जनरल फॉर्म. अभी ये जनरल फॉर्म क्या होता है? जैसे दिस इज अ polynomial हैविंग डिग्री 4, सो इट्स जनरल फॉर्म विल बी ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई. दैट मीन्स द कोई द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स दे शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ये जो एक्सपोनेंट है ना एक्स, इसके जो एक्सपोनेंट्स है जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए. इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म. तो अरेंज पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन डिवाइड देम. ओके सो वी कन्वर्ट दिस p of x into its standard form x to the power 4 minus, now there is no a term where the exponent of a variable is 3. इसमें देखिए x cube ये term missing है, क्योंकि generally हम क्या बोलते हैं descending order में, पहले 4 बाद में 3 2 1 and then 0. अभी यहाँ तो cube की term missing है, तब क्या करेंगे? तो जो टर्म मिसिंग होती है उसका कोएफिशिएंट जीरो लेके उस टर्म को आपको लिख लेना है. तो ऐसे लिखना क्यों ज़रूरी है ये आपको आगे जाके पता चलेगा. ओके आपको समझ में आया ना? यहाँ पे क्यूब की टर्म नहीं थी ना, एक्स क्यूब नहीं था, तो हमको एक्स क्यूब तो लिखना है. तो इसलिए उसको कैसे लिखेंगे? कोएफिशिएंट जीरो लेके करना है, क्योंकि जीरो लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके ऊपर. ओके देन नेक्स्ट रिमेनिंग टर्म्स 3x स्क्वायर, हाँ देन प्लस 4x, ये प्लस 4x है ना, प्लस 4x साइन के साथ लेना है एंड देन प्लस 5. ये हो गया आपका डिविडेंड. अभी इसको डिवाइड करना है. आपका डिवाइजर देखिए, डिवाइजर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो डिवाइजर को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, देखिए ये एक्स स्क्वेयर, ये माइनस एक्स, माइनस साइन के साथ उसको उठाना है, सिर्फ एक्स नहीं माइनस एक्स एंड देन प्लस वन. ओके तो ये हो गया अपना सबसे पहले पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया. नाउ डिवाइड देम. सो द मेथड इज टेक द हाइएस्ट पावर ऑफ दिस डिविडेंड, वो है एक्स टू द पावर 4, ये सब आप रफ में कर सकते हैं, एंड डिवाइड द हाइएस्ट पावर ऑफ दिस डिवाइजर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर. यहाँ जो भी हाइएस्ट पावर है, एक्स टू द पावर 4 है ना हाइएस्ट, उसको इसके हाइएस्ट पावर से डिवाइड करना. तो ये डिवीजन होता है एक्स स्क्वायर. ओके एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब हमें पहले मिला है एक्स स्क्वायर. अब क्या करेंगे? इस एक्स स्क्वायर से ये तीनों भी टर्म को मल्टीप्लाई करना है. ध्यान से सुनिए, इस एक्स स्क्वायर से ये तीनों भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, और जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आपको यहाँ रखना है. लेकिन कैसे रखेंगे? लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, फोर्थ टर्म के नीचे फोर्थ, क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स, इस तरह से. सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बन जाता है एक्स टू द पावर 4. ओके माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बन जाता है एक्स क्यूब. अभी आपको पता चला मैंने यहाँ पे जीरो एक्स क्यूब क्यों लिया? क्योंकि अगर मैं ये टर्म नहीं लेती तो इसको हम कहाँ अरेंज करते? तो इसलिए यहाँ पे जो इसमें मिसिंग टर्म है उसको जीरो कोएफिशिएंट लेके लेना है. ओके देन एक्स स्क्वायर इंटू प्लस वन प्लस वन एक्स स्क्वायर. नाउ एज यूजुअल सब्ट्रैक्शन करना है अभी इसका, और सब्ट्रैक्शन का रूल है ये जो नीचे जो पॉलिनोमियल है उसके साइन चेंज होते हैं. तो यहाँ ये पॉजिटिव था तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव था
वो हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था वो हो जाएगा निगेटिव। ओके, जनरली फर्स्ट टर्म कट होती है, कैंसिल होती ही है। अभी देखिए प्लस जीरो प्लस वन, यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब वन है, तो जीरो प्लस वन वन, सो यहाँ पे वन एक्स क्यूब। आप यहाँ पे वन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके तो हम नहीं लिखेंगे इसको। बाद में निगेटिव थ्री निगेटिव वन, निगेटिव थ्री निगेटिव वन, ये हो जाता है निगेटिव फोर, तो ये हो जाएगा निगेटिव फोर एक्स स्क्वेयर। यहाँ तक ठीक है। अभी आगे जो भी टर्म्स है उसको एज इट इज़ लिख लेना है, पूरी टर्म्स को लेना है, एक एक टर्म को नहीं पूरी टर्म को लेना है। नाउ सेम मेथड, क्या मेथड थी हमारी, अभी इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट ये है एक्स क्यूब, तो इसको एक्स क्यूब को यहाँ जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, तो आंसर आता है पॉजिटिव एक्स, तो यहाँ पे लिखना है प्लस एक्स, यहाँ भूलना नहीं लिखने के लिए। बाद में क्या करना है, इस एक्स से ये तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, आराम से करो हाँ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, सो यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब, देन एक्स इंटू माइनस एक्स, एक्स इंटू माइनस एक्स, इट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर, ओके देन एक्स इंटू पॉजिटिव वन, इट विल बिकम वन एक्स। ठीक, अगेन सेम मेथड, चेंज द साइन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये प्लस था इट विल बिकम निगेटिव, दिस निगेटिव साइन विल बिकम पॉजिटिव, दिस निगेटिव साइन विल बिकम अगेन पॉजिटिव। जनरली फर्स्ट टर्म गेट्स कैंसल्ड। नाउ केयरफुली, निगेटिव माइनस फोर प्लस, यहाँ पे कोई नंबर नहीं इसका मतलब हम वन लिख सकते हैं, तो माइनस फोर प्लस वन, देखिए ना माइनस फोर प्लस वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा निगेटिव थ्री एक्स स्क्वायर, ऐसे रखेंगे ओके, देन प्लस फोर माइनस वन, प्लस फोर माइनस वन बन जाता है थ्री, तो ये हो जाएगा प्लस थ्री एक्स, इतना तो हो गया। अब ये प्लस फाइव ऐसे ही नीचे रखेंगे, आई बात समझ में, हाँ। अभी फिर से सेम मेथड, कौन सी मेथड, यहाँ जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल तो यही है ना, सॉरी टर्म यही है ना, तो इसको पहले लेना है निगेटिव थ्री एक्स स्क्वायर, पूरे टर्म को लेना है, पूरे टर्म को, उसको डिवाइड किससे करना है एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ आंसर आता है निगेटिव थ्री, देखिए ना ये तो कट हो जाता है निगेटिव थ्री, तो यहाँ पे आपको लिखना है निगेटिव थ्री। बाद में क्या करना है, इस निगेटिव थ्री से तीनों को भी मल्टीप्लाई करना है, तो निगेटिव थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, वो हो जाता है निगेटिव थ्री एक्स स्क्वायर, ओके निगेटिव, हाँ निगेटिव थ्री इंटू निगेटिव एक्स, पॉजिटिव होगा ना, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, इस तरह से ये हो जाएगा पॉजिटिव थ्री एक्स, एंड देन निगेटिव थ्री इंटू पॉजिटिव वन, इट विल बिकम निगेटिव थ्री, करेक्ट है ना, बिकॉज निगेटिव इंटू पॉजिटिव बन जाता है निगेटिव, तो अगेन साइन चेंज करना है इसके, तो ये निगेटिव था इट विल बिकम पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव विल बिकम निगेटिव, एंड दिस निगेटिव विल चेंज इंटू पॉजिटिव, अगेन फर्स्ट टर्म गेट कैंसल्ड। नाउ पॉजिटिव थ्री, ये जो सर्कल में जो साइन है ना उसको लेना नहीं है, मैंने एक आपको कल बताया था, पॉजिटिव थ्री निगेटिव थ्री अगेन कैंसल्ड, एंड यहाँ पे प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस एट, आई बात समझ में, तो इस तरह से ये डिवीजन होता है। तो अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, डिवाइड पी ऑफ एक्स बाय जे ऑफ एक्स, नाउ फाइंड कोशंट एंड रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपको पता है जो रहता है नीचे इसको बोलते हैं रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर, आपको साइड में पूरा लिखना है नोटबुक पर, देयरफॉर ऐसे, देयरफॉर रिमाइंडर विल बी एट, एंड अगेन कोशंट, कोशंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज जी ऑफ एक्स अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी ये जो है ना ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो आपका आंसर जरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर देखिए एट आया है। ओके, मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल बताती हूँ,
क्या आप बता सकते हैं इज 4 अ फैक्टर ऑफ 12? बता सकते हैं? हाँ है, क्यों है पता है? क्योंकि अगर इफ वी डिवाइड 12 बाय 4 देन द रिमाइंडर बिकम्स 0. दैट्स व्हाई 4 इज फैक्टर ऑफ 12 एंड दिस 3 इज अनदर फैक्टर ऑफ 12. ओके, आपको समझ में आ रहा है? अगर 4 ये 12 का एक फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर 3 होगा. तो ये फैक्टर क्यों है? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है. तो यहाँ पे रिमाइंडर 8 है. इन दिस केस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. दैट्स वाई दिस जी ऑफ एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. तो आपको लिखना पड़ेगा सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज नॉट जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. इसको हम एक अलग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी ऑफ एक्स. आप जानते हैं ना ये मल्टीपल फैक्टर का मामला क्या है? जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, फोर इज अ फैक्टर ऑफ 12. 4 ये 12 का फैक्टर है. इसी को ही हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. ये सब आपको 6 क्लास में हो चुका है. ओके, तो समझ में आया? ठीक है.